उसने उधर देखो हमारी तरफ क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में सलामत होंगे। लमसम व्लॉग में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम काफ़ी दिनों के बाद, तकरीबन 2 महीने के बाद हम स्टूडियो में कुकिंग करेंगे। धूप तो है हल्की सी, लेकिन बादल भी आ जाते हैं और हवा भी चल रही है। आज हम बनाएंगे चना पुलाव। सिंपल सी रेसिपी है। चना पुलाव हम आम चावल से नहीं बनाएंगे, हम लोग इसको बनाएंगे जो मिक्स चावल होते हैं ना, टोटा चावल, उससे। इसलिए कि ये हमारे अपने घर के चावल हैं, तो अभी एंड सीज़न होने वाला है, तो इसलिए वो हम उसका बनाएंगे और आपको दिखाऊंगी मैं कि वो कितने मज़े के बनते हैं। खुशबू वाले चावल हैं, बेशक आप वो बड़े वाले चावल जो है ना, वो जितने मज़ेदार से ला के बनाएंगे उतनी खुशबू नहीं आएगी जितनी इन चावलों की आएगी। तो हम लोग जब भी आम घर में बनाने होते हैं बच्चों के लिए चावल, तो वही बनाते हैं। तो आप लोगों को आज वही रेसिपी शेयर करूँगी और उसकी थोड़ी टिप्स भी बता देती हूँ कि उसको, उन चावलों को बनाने के लिए, वो हमारे घर के अपने बासमती चावल हैं, उनको आप लोगों ने पकाने से पहले 1 घंटा भिगो के रखना है। तो हमने चावलों को भिगो लिया हुआ, चनों को भी बॉयल कर लिया, आप बस मिक्स करेंगे और चना पुलाव हमारा रेडी हो जाएगा। तो मैंने कहा आप लोगों को स्टूडियो का व्यू दिखा दूँ। आपको पानी का घड़ा भी नज़र आ रहा है, बड़ी देग भी नज़र आ रही है। अभी काफ़ी टाइम से हमने बड़ी देग में कुछ नहीं बनाया, ये छोटी कोरमे वाली देग है, इसमें हम बनाएँगे आज पुलाव। बाकी सारी चीज़ें भी आप लोगों को नज़र आ रही हैं। तो ये तकरीबन 2 घंटे लगे हमें स्टूडियो की सिर्फ सफाई करने में, क्योंकि इतने दिनों के बाद हम लोग आए थे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलें जी, चूल्हा ऑन करते हैं और पुलाव बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चूल्हा हमने ऑन कर लिया, थोड़ा सा इधर ले आए हैं सेटअप को। ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम इसमें प्याज डाल देते हैं, वही सिंपल जो हम चावलों का बनाते हैं, स्टार्ट में ग्रेवी वगैरह बनाते हैं वो रेडी करते हैं। जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है आपको थोड़ा सा दिखाऊं, मिट्ठू को देखें, उसके बाद हवा चलना शुरू हो गई है दोबारा से मोर। प्याज ब्राउन हो गया, अब इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, पानी भी डालना चाहिए तो डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं पानी भी साथ डाल देती हूँ ताकि टमाटर और थोड़ी सी, बस 2-3 मसाले टोटल जाएंगे इसमें। नमक जाएगा, ज़ीरा जाएगा और मिक्स मसाला जो साबुत होता है वो जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, ये मैंने मिक्स मसाला थोड़ा सा रखा हुआ है, ये ज़ीरा है और नमक है। नमक सब्ज़ मिर्चें हमने डाल दिए हैं और थोड़ा सा सूखा धनिया, ये बस। चाहे तो पुलाव मसाला भी डाल सकते हैं, हम लोग नहीं डाल रहे तो उसकी जगह पे हम काली मिर्चें डाल लेंगे। ये मैं मसाला भी साथ ही डाल देती हूँ ताकि टमाटरों के साथ इसकी अंदाजे से ज़ीरा डाल दें। ये मैंने सूखा धनिया डाल दिया, उसके साथ ही मैंने नमक डाल दिया अंदाजे से। इसको मिक्स करेंगे, परफेक्ट होगा अंदाज़ा। आपने इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी कि मैंने ऐसे डाल दिया, तो आप लोग भी अपने अंदाजे के मुताबिक जितना भी आप टेस्ट है उसके मुताबिक नमक डाल सकते हैं। इसमें डाल देंगे अब चने हम लोग जो हमने बॉईल किए हुए, चने हम ज़्यादा डालेंगे। 4 गिलास हमारे चावल हैं, 4 गिलास मतलब 1 किलो, तो थोड़ा सा ज़्यादा चावल है हमारे। तो ऑयल भी देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाला, लेकिन बहुत ही अच्छे बनेंगे, खिले खिले चावल बनेंगे। ये देखें, ये हमारी चनों की जो ग्रेवी है वो रेडी हो रही है। अभी थोड़ा सा भुनता है तो साथ ही इसमें डाल देंगे पानी और बाद में चावल डाल देंगे, तो हमारा पुलाव रेडी हो जाएगा। जी हमारे चने भुन गए, अब इसमें मैं पानी डालूंगी। मैं सर एक टिप आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे हमारा ये वाला ग्लास आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला हमने 4 गिलास है, तो इसको मैं 6 गिलास पानी डालूंगी, 2 गिलास पानी डबल। ऐसे हम लोग डबल डालते हैं, लेकिन इन चावलों के लिए हमें 2 गिलास पानी कम डालना पड़ेगा, क्योंकि एक तो हमने 1 घंटा भिगोए हुए हैं,
पुराना हमारे ये चावल हैं घर के बासमती, तो उनका जो हम लोग छान के रखते हैं ना वो जो टोटा होता है वो है, तो ये मिक्स चावल हैं। ये बनेंगे जब आप लोगों को पता चलेगा कि कितने मज़े के बनते हैं, इनका टेस्ट ही अलग है। तो ये देखिए हमारे चने भुन गए, अब मैं डालती हूँ पानी। तो 6 ग्लास मैंने डाली है, 6 ग्लास पानी डाल देती हूँ। चावल मैंने डाल लिए, अभी चावल पकते हैं, दम पे रखते हैं, तो आप लोगों को दोबारा दिखाते हैं चावल हमारे कैसे बने हैं। उधर वो जो रांझा और हीर हैं वो निकल आए हैं, और देखें अब वो फिर से डांस करना शुरू हो गया है। मैं गई थी वो बनाने के लिए तोतों की वीडियो, तो वो दरवाज़ा खुला रह गया, तो वो आ गए बाहर। तो अभी देखिए थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, मैं अभी इधर ही बैठी हुई हूँ हट में ना। ये आ गए, अब वो हमारी तरफ फेस कर रहे हैं। ये लें जी, इसके ये सारे जो पर हैं ना ये उतर जाएंगे, उतार देगा ये। ये आ गया जी, अभी दोबारा अभी आएगा इधर पास भी। अभी डांस नहीं करना शुरू किया जब, ये अभी शुरू किया। मौसम भी प्यारा हो गया बाहर। आप लोगों को ना मैं मार्गला हिल्स भी दिखाती हूँ, एक मिनट अगर नज़र आ रही हैं तो। दम मैंने खोल लिया और आप लोगों को चावल चेक कराती हूँ, कोई भी जज नहीं कर सकेगा कि आप लोगों ने टोटा चावल के चना पुलाव बनाया है या किसका बनाया है। इतना का मज़ेदार, मुझे लगता है हमारे पूरे मोहल्ले में तो इसकी खुशबू जाती है। ज़रा मैं आपको पास से दिखा दूँ, आप 500 रुपये किलो वाले भी चावल लाएंगे ना तो इस तरह का पुलाव नहीं बनेगा। ये देखिए, चलिए जी हम लोग करते हैं इंजॉय चावलों को और खाना खाते हैं। दोपहर का बच्चे भी आ चुके हैं, हम ऊपर स्टूडियो में ही खाएंगे खाना। सारे मिठू हर दुनिया की जो काफ़ी ज़्यादा मखलूकात हैं वो इधर इकट्ठी हुई हैं, तो इंसान जानवर परिंदे जंगलात में रहने वाले जो जानवर हैं वो भी हैं, आसमान पे रहने वाले जानवर हैं वो भी हैं, और ज़मीन पे रहने वाले सारे के सारे हैं। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। रायता, सब्जियों का रायता और साथ चना पुलाव, इंजॉय कीजिए जी। हमने चावल खा लिए और आपने साथ साथ आप परिंदों को भी डाले हैं, परिंदों भी चना पुलाव इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग वीडियो में देख रहे हैं किस तरह ऑस्ट्रेलियन राजा रानी अपने बच्चों को लेके और सारे के सारे, इधर जो पिंकी है उसने भी खा लिए हैं, उसके भी आगे डाले थे। तो मैंने आपको बताया था ना कि कितनी सारी अल्लाह की मखलूकात हैं जो इधर इकट्ठी हुई हैं, तो वह सारी की सारी चना पुलाव खा रही हैं। तो ये थी आज की वीडियो, जानवरों इंसानों और सब ने आज खाया चना पुलाव। आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को पूरा देखना है। जो भी वीडियो स्टार्ट करें वो पूरा ज़रूर देखें, आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।